मैं एक वाक्य आपके सामने बयान करता हूं तो आपको समझ भी आएगा कि आज भी वैसी दुआएं कबूल होती है कि नहीं होती है। तो रहमान अल्सो में डॉक्टरेट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने देखा कि क्रिश्चियंस की एक कॉन्फ्रेंस है। उन कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि 21वीं सदी लगने से पहले पहले बर्रे आजम अफ्रीका में हम पूरी क्रिश्चियनिटी फैला देंगे। रहमान अल्सो में कहते हैं कि मैं भी वहां पे मौजूद था, लेकिन वो बात मेरे जहन में बैठ गई थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुवैत की जो मलिका है उन्होंने ये सोचा कि साउथ अफ्रीका में मैं एक मस्जिद बनाती हूँ। उन्होंने अब्दुल रहमान अल सुमित को बुलाया, क्या तुम साउथ अफ्रीका वो मस्जिद बनाने जा सकते हो? वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि वो खुद साउथ अफ्रीका जाना चाहते थे। जब वो साउथ अफ्रीका गए वहां पे उन्होंने उस मस्जिद की तामीर की। तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा उस मस्जिद के लिए लगा। अब हैरत में पड़ जाएंगे, 1.5 हजार क्रिश्चियनों को इस्लाम कबूल करा दिया। अब्दुल रहमान अल सुमित उनको मालूम हुआ कि फलाने इलाके में कुछ क्रिश्चियंस रहते हैं और हम लोग अच्छे खासे इलाके में दावत दे चुके हैं, अभी ये इलाका दावत का बाकी है। उनके जो दोस्त है जो उनके साथ में रहते वो बयान करते कि मुझको रात के अंधेरे में उन्होंने उठाया और रात के अंधेरे में हम लोग चलने लगे। पता नहीं वो जंगल कैसा था, कोई दरिंदा खा जाता, पैरों के नीचे कोई मोजी जानवर आ जाता, किसी चीज की फिक्र नहीं थी। हमें पहुंचे उस गांव उस देहात में पहुंचे दावत के लिए। जब वहां जाकर दावत देने लगे तो वो कबीले का सरदार आगे आ गया और आकर कहने लगा, अगर आप जबानी आकर ये कहते हमारा एक मालिक है, हम उसकी ही इबादत करते हैं, तुम सब उसकी इबादत करो, तो ऐसा लेक्चर हमको मत दो। अगर तुम्हारा रब सच्चा ही है तो 3 साल से हमारी बस्ती में पानी नहीं आया, अगर तुम अल्लाह से दुआ करके पानी गिरा देते हो तो हम पूरा का पूरा गांव इस्लाम कबूल कर लेंगे, करो उससे दुआ। मैं तुमको 3 घंटे का वक्त देता हूँ, तुम अभी दुआ करो, 3 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो जाना चाहिए। अब्दुलरहमान अल सुमित बहाना तलाश करते रह गए कि मैं बहुत लंबे सफर से आया हूँ, मेरा गला जो है तो साथ नहीं दे रहा है, मैं अल्लाह से अभी दुआ नहीं कर सकता। बोले वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ 3 घंटे का वक्त तुम्हारे पास में। वो लोग ये कह के वहां से निकल गए। अब्दुल रहमान सुमित बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो गए, उन्होंने वजू किया, वजू करके आए और 2 रकात नमाज अल्लाह के हुजूर अदा किए। और जानते हैं अल्लाह से किन अल्फाज में दुआ कर रहे हैं? ऐसा बंदा जिसने इतनी कुर्बानियां दे दिया, वो ये कह रहा है कि अल्लाह मेरी गुनाहों की सजा इन बस्ती वालों को मत दे, अगर मेरी गुनाहों की बुनियाद पे तू मेरी दुआएं रद्द करता है, मेरी दुआ कबूल नहीं करता, तो अल्लाह आज मेरे गुनाहों को मत देख, आज तेरे बंदे इस दुआ पर है, आज तेरा इस्लाम इस दुआ पर टिका हुआ है, मैं जानता हूं मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं, अल्लाह मेरे गुनाहों को हटा दे, अल्लाह तेरे बंदों को हिदायत दे दे। जानते क्या हुआ? ये अल्लाह का निजाम है, बारिशें उसकी है, बादल उसके है, जमीन उसकी है, वो तो कुन फयाकून कह दे तो बारिश के अंबार लग जाए। बस होना ये था कि 2-3 घंटे गुजरे कि अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और आनन फानन बारिश होने लगी, पूरा शहर दौड़ता हुआ आया और इस्लाम कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जानते जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ तो उनका हाल क्या था? 18 किस्म की उनको बीमारियां थी, दिन में 15 गोलियां लेते थे एक वक्त, और पूरे अफ्रीका का सफर पैदल करते थे दावत के लिए जहां पर रास्ते नहीं थे। 40 साल ने उस तपते हुए रेगिस्तान में दिए, उस अफ्रीका के जंगल में दिए, उन दरियाओं में जाकर वो 40 साल दिए। मालूम है ये 40 साल में क्या हुआ? 7,000 के करीब मस्जिदें बनाई पूरे बर्रे आजम अफ्रीका में, 1 करोड़ के करीब कुरान की जो है तो कॉपीज तकसीम की। इतना ही नहीं, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा कि मैं फिगर सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, 1 करोड़ 10 लाख लोग इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किए। अल्लाह अकबर, 1 करोड़ 10 लाख लोग, उनकी औलादे और कयामत तक आने वाले इंसान, इतने लोगों की हिदायत अल्लाह ताला ने एक शख्स की कुर्बानी पर खड़ा कर दी। ये अल्लाह की तरफ की कबूलियत होती है। अल्लाह तो चाहता है कि लोग जहन्नुम से निकले और जन्नत जाए, बहाना तलाश करता है। मैं और आप बदनसीब है कि हम लोग नहीं निकले, जिनको अल्लाह ने चुन लिया उनके हाथों पर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। जिस इंतकाल हुआ उनकी बीवी के पास सिर्फ 4 कपड़े थे। आप समझ सकते हैं 1970 में अमेरिका से पढ़ने वाला आदमी कितना कमा सकता था, और उनकी बीवी किसी मामूली घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी, उनकी बीवी खुद एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उस औरत की कुर्बानी है अपने शोहर के साथ। इस तरह से जब मोमिन बंदे अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हैं तो नक्शे इस तरह से बदल जाते हैं।
لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल